सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक और सफलता हाथ लगी है। मुंबई में एनसीबी ने गोवा से हेमल शाह नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। हेमल शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत निधन केस से जुड़ा है, आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले भी एनसीबी सुशांत केस से जुड़े कई ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को अब एक साल होने जा रहा है। उनके निधन के बाद से सामने आए ड्रग्स एंगल की जाँच लगातार जारी है। बता दें कि इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक सहित कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थित उनके घर में मिला था। सुशांत की मौत के बाद दिवंगत अभिनेता के पिता के सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी।